यूपी के चुनाव में तीन तलाक के मुद्दे पर यूपी में सरकार बनी योगी जी की, इसी तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो ये महिला लक्ष्मी योजना, जिनको भी नारियों को सबको पैसे दिए, उससे इन्होंने पूरा माहौल चेंज कर दिया है। हर घर नल हर घर जल योजना हमारे यहाँ पे बहुत सफल हुई है। 8 लेन 4 लेन 2 लेन जो केंद्र की योजना है, यहाँ पर मोदी जी की 100% सफल हुई है। मध्य प्रदेश में जितना विकास हुआ ये 70 सालों में नहीं हुआ। घर घर अगर ये पेयजल की व्यवस्था है तो बिगर पानी के इंसान रह सकता है क्या? एक भी शासकीय योजनाओं का लाभ इसलिए नहीं ले पा रहा है कि उसके अंडी में चारा ने भी खर्च करने को नहीं है। दूसरा, हमारे गांव में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। एक भी नेता, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी ने हमारे गांव के लड़कों को रोजगार देने के लिए कोई काम नहीं किया है। 70 साल तक आप देख रहे हैं, कहीं रोड ढची के वाले थे, आज रोड की ये स्थिति है कि अपन जाते हैं, अगर जावरा सीतामू रोड देख लें या कहीं भी रोड देख लें तो एयर कंडीशन रोड बने हुए हैं। और राज सवाल जीतने का तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार बनेगी और 200 या 150 सीट तक भारतीय जनता पार्टी आएगी। केंद्र की सरकार मोदी जी, शिवराज जी मुख्यमंत्री जी, उस समय की योजनाओं से पुनः भाजपा आएगी। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हम मौजूद अभी रिंगनोद पे, यहाँ ये जावरा विधानसभा में आता है। आइए हम यहाँ पे जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे इस बार किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव करने वाली है। क्या लगता है इस बार क्या माहौल है यहाँ के चुनाव को लेकर? तो देखो, क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन से लोग संतुष्ट है और अभी जो मुख्यमंत्री जी ने जो महिला सम्मान निधि का जो घोषणा करके और लोगों के खातों में पैसे डाले, उससे बहुत इफेक्ट हो रहा है। आपको ध्यान हो तो यूपी के चुनाव में तीन तलाक के मुद्दे पर यूपी में सरकार बनी योगी जी की, इसी तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो ये महिला लक्ष्मी योजना, जिनको भी नारियों को सबको पैसे दिए, उससे इन्होंने पूरा माहौल चेंज कर दिया है कि ये पूरे बहुमत के साथ बीजेपी को एक बार पुनः गद्दी निशीन कराएंगे। अब क्या माहौल लग रहा है यहाँ का, किसको देखना चाहेंगे विधायक के रूप में? लोकसभा के लिए इस पूरे क्षेत्र में मोदी जी का माहौल है। मोदी जी की जो योजना है मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से लागू हुई है और बहुत सफल हुई है। हर घर नल हर घर जल योजना हमारे यहाँ पे बहुत सफल हुई है। 8 लेन 4 लेन 2 लेन जो केंद्र की योजना है, यहाँ पर मोदी जी की 100% सफल हुई है। लेकिन किसान यहाँ पर 5 साल से दुखी है, जितनी भी फसलें बर्बाद हुई है, एक भी पैसा मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को राहत के रूप में नहीं मिला है। दूसरा, ऋण माफ़ी चाहे कमलनाथ जी हो चाहे शिवराज जी हो, दोनों नहीं कर पाए। किसान बहुत दुखी है मध्य प्रदेश का और हमारे क्षेत्र का सबसे ज़्यादा दुखी है, परेशान है, और वो एक भी शासकीय योजनाओं का लाभ इसलिए नहीं ले पा रहा है कि उसके अंडी में चारा ने भी खर्च करने को नहीं है। दूसरा, हमारे गांव में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। एक भी नेता, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी ने हमारे गाँव के लड़कों को रोजगार देने के लिए कोई काम नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, देश के प्रदेश के नेताओं से आह्वान करता हूँ कि ग्रामीण हमारे जो बेरोजगार है उनके लिए योजनाएं गांवों में भेजे। देखिए तो शिवराज सिंह चौहान ने सीखो और कमाओ योजना निकाली युवाओं के लिए, तो उस पर क्या कहना? चुनाव आने के टाइम पे आप योजना निकाल रहे हो चुनाव का लाभ लेने के लिए। 5 साल क्या हो गया था? बेरोजगार घर में बैठा हुआ है, उनके माता पिता से हाल पूछो कि बेटा क्या करे, किधर जाए। इसलिए चाहे कोई भी सरकार हो, वही सफल होगी जो बेरोजगारों को सही ढंग से रोजगार देने की योजना बना पाएगी, उसके बिगड़ सफल नहीं होगी। और मोदी जी की योजनाएं चाहे यहाँ पर हो चाहे सीमा पर हो चाहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मोदी जी के कार्य बहुत सही हो रहे हैं। हर घर हर आदमी को 5 किलो अनाज मिल रहा है, हमारे यहाँ पे सबको टंकी मिल रही है, मकान पक्के बन रहे हैं और सड़कें बन रही है। जितनी योजना है मोदी जी की, न हर घर नल हर घर जल और आपके जितना भी स्वास्थ्य की, ये सब मोदी जी की योजना है, देश में सफल हो रही है। हर आदमी मोदी जी को वोट देने को तैयार है, लेकिन प्रदेश के अगर नेता ध्यान नहीं देंगे तो फिर भुगतेंगे। तो यहाँ पे हालत खराब है अभी, बिल्कुल रोजगार नहीं है। यहाँ पे ना कोई मनरेगा नहीं यही है, नदी की साफ सफाई नहीं, नदी का पानी सड़ रहा है और सड़ा पानी पीने के लिए गांव की जनता मजबूर है और बीमार हो रही है, उसकी कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है। घर घर आप देखिए, यहाँ पर ये चौराया है, ये डेयरी के यहाँ पर डेयरी है, सुबह 500 लोग शाम को 500 लोग यहाँ पे आते हैं और गंदगी, यहाँ की पंचायत कोई काम नहीं कर रही है। देखिए ये गड्ढा वो गड्ढा, ये गंदगी, यहाँ की पंचायत विफल है।
कोई काम नहीं कर रही है और उसका खामियाजा प्रदेश और देश को भुगतना पड़ रहा है, जनता को भुगतना पड़ रहा है, बीमार हो रही जनता। आप हॉस्पिटल में जाके देखो, सुबह भीड़, बुखार आ रहा है, परेशान हो रही जनता, मर रही है जनता। लेकिन यहाँ पे सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। चारों हर चौराहे पे देख लीजिए आप, हर घाटी पे देख लीजिए, नदी देख लीजिए, नदी गंदी है, घाटी गंदी है, चौराहा गंदा है। यहाँ की पंचायत कोई काम नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ कि यहाँ की पंचायत को आप कहें कि ये जनता मर रही है, कुछ काम करें यहाँ पर। धन्यवाद। आपको क्या लगता है यहाँ पे इनका कहना है कि लगातार बेरोजगारी दर वो है बढ़ता जा रहा है? तो रोजगार देना सरकार का काम है और ग्राम पंचायत सरपंच कांग्रेस के हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर नाराजगी है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के सरपंच यहाँ पर उस नीतियों को लागू नहीं कर रहे हैं। अव्यवस्था है तो उनकी कमियाँ हैं, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। किंतु प्रदेश सरकार बहुत ही अच्छे काम कर रही है, जनहितैषी कार्य कर रही है, लाडली बहनों के खातों में पैसे डाल रही है। इस प्रकार से जितने कार्य हो रहे हैं, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। क्या लगता है भैया, आप तो युवा है, आप किस मुद्दे से लेकर आप वोट करने वाले हैं? बीजेपी। बीजेपी? बीजेपी क्यों? बस ऐसे ही बीजेपी चाहिए, बीजेपी पसंद है इसलिए। बिल्कुल। आप लोगों काम किए बीजेपी ने? बिल्कुल किए ना। आपके जो शहरी विधायक हैं वो बिल्कुल करते हैं काम। क्या अभी क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा। काम किया इनने यहाँ पे? किया भाजपा ने। क्या क्या काम किए? डॉक्टर विधानसभा जावरा क्षेत्र विधायक जावरा क्षेत्र पांडे जी ने यहाँ पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल दिया, कई जगह पानी की टंकी दी बड़ी बड़ी, बालाजी मंदिर के पास बड़ा हॉल दिया। इस बार भाजपा सरकारी बनेगी। यहाँ पे देखा जाए तो माहौल, मेरा नाम शंकर मोदी है और विग्नोद का निवासी हूँ। मेरा ये कहना है कि स्वच्छ आदमी साफ सुथरा है बस। लेकिन वही देखा जाए तो बीजेपी का कहना हमने लगातार विकास किया है। कोई विकास नहीं किया, सब पूरा गांव सब बयालीस गांव में आज तक आए ही नहीं, वो आज तक नहीं आए बयालीस गांव के अंदर, अभी तक पाँव नहीं रखा उन्होंने। नहीं, एक दिन आया तो ऊपर से वहाँ आसमान बैठे होते मोटर के ऊपर, नीचे नहीं उतरे, चले गए। तो फिर फार्म ले लिया और उनका ये कहना, मैं तो फार्म ले ही नहीं रहता, मेरे को जबरदस्ती सौंप दिया, तो दूसरे को सीट काहे को मारी? कम से कम दूसरा आदमी आता बीजेपी से के, अब हार तो होना ही उनकी, साफ सुथरा बात दिख रही, और हम तो कोई देने वाले है ही नहीं वोट। क्या लगता है भैया इस बार क्या माहौल रहने वाला है यहाँ पे, माहौल क्या है यहाँ का? अरे बात, मैं यूथ कांग्रेस से विधानसभा महामंत्री हूँ। रही बात कांग्रेस की, तो इस बार आप एग्जिट पोल भी देख रहे होंगे, शिवराज मामा खुद कह रहे हैं कि अगर मैं गया तो याद आऊँगा, मतलब आप समझ लो याद जरूर आएंगे वो, इतना जो भ्रष्टाचार हुआ इसमें याद आएंगे, 18 साल के जो बेरोजगार है जिनकी ओवर एज हो गई, जो नौकरी नहीं लग पा उसमें याद आएंगे, व्यापम घोटाले के अंदर जो हम जैसे एमए करे हुए जो लड़के जो नौकरी में नहीं लग पाए, हमसे नौकरी के टाइम पे 10-10, 15-15, 20-20 लाख जो मांग रहे थे लोग, उसके लिए याद जरूर आएंगे मामा मामा, बेरोजगारी के लिए याद आएंगे। रही बात रिंगनोद के विकास की या जावरा विधानसभा के विकास की, तो विकास नल से, और एक नल आपके घर पे दे दिया कहीं पे, वो सरकार की योजना है, हमारे पैसे की योजना है, विकास क्षेत्र के अंदर उसको बोलते हैं। बढ़िया, आप एक बात बताओ कि अगर कोई बांध बना गया, माननीय महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा के नेतृत्व के अंदर, महेंद्र सिंह जी 10 साल जो मंत्री रहे उसके अंदर, आप देखो आज ये रणारा के अंदर एक बांध बना है, किलगारी के अंदर एक बांध बना है, रीछा के अंदर एक बांध बना है, कांकरवा के अंदर एक बांध बना है, ये हमारे क्षेत्र की, उससे हजारों बीघा जमीन सिंचित हो रही है, जो जमीन वीरान पड़ी थी और जो गाँव इस कदर की कंडीशन में थे, आज उनके घर पे स्कॉर्पियो सफारी एक से गाड़ियाँ देखने को मिल रही है, उसको बोलते हैं विकास, विकास का नाम। ये रिंगनोद से जो मलिनी जो पिंगला नदी निकली हुई, इसके ऊपर 5 से 10 जगह स्टॉप डैम बने जिससे आज पूरे आसपास की देश की सिंचाई कर रही है, इसको बोलते हैं विकास। रही बात रिंगनोद में 5.5 करोड़ का अस्पताल की, तो जो अस्पताल की जो भूमि है, अस्पताल की भूमि कांग्रेस शासन में, कांग्रेस शासन के अंदर उसको आवंटित करी थी, जैसे भी लेके उस टाइम जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे सर जो थे उन्होंने उस जमीन को आवंटित कराया था। रिंगनोद के अंदर शासकीय जमीन नहीं थी, एक जमीन थी जिसको कांग्रेस वालों ने सहानुभूति बिठा के आपस में करके 3-4 बीघा जमीन दान करवाई थी, और उस दान के ऊपर अस्पताल की भूमिका जो रखी थी वो कांग्रेस ने रखी थी। कांग्रेस के रखने के बाद उस अस्पताल का एक बार कोई गठन अगर हो गया, कोई कॉलेज अगर 10वीं 12वीं तक खुल गया स्कूल, तो 12वीं का कॉलेज बनेगा, 10वीं का 12वीं बनेगा, नॉर्मल चीज़ है, वो टाइम के साथ रूटीन है, उसको आप विकास के रूप में नहीं ले सकते। और रही बात कांग्रेस की, निर्दली निर्दली मान रहे हैं, पर जो कांग्रेस के रूट हैं उनको मनाएंगे, मनाने काम करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी को टिकट दिया है पार्टी ने। रही बात आपकी पार्टी डिसाइड नहीं कर पा रही टिकट, तो 230 सीटें हैं, 4000 उम्मीदवार हैं। अगर 2-4 उम्मीदवारों पर अगर पार्टी का फैसला गलत आता है या फैसला देने के बाद लगता है कि यार ये उम्मीदवार कमजोर पड़ रहा है या इसके समर्थन में नहीं है, यार उसकी कोई गलत रिपोर्ट जा रही है, पार्टी को सीट चाहिए, इसलिए उन्होंने वीरेंद्र सिंह जी को सीट दी है।
और वीरेंद्र सिंह जी इस एरिया से 10,000 से कम से लीड लेके नहीं जीतेंगे, और जो कांग्रेस के रूट हैं उनको मनाने काम करेंगे। जनता मांग रही है निर्दलीय जीवन सिंह, क्योंकि आज तक नामांकन रैली में कभी भी बीजेपी ने भी राष्ट्रवादी नामांकन के लिए गाड़ी नहीं आई है। पहली बार कल भीड़ देखने के बाद गाड़ी आई है और यहाँ से ले जाया गया है, तो इसलिए जनता इस बार निर्दलीय पे भरोसा करेगी। मध्य प्रदेश का क्या दादा, क्या लगता है आपको इस पर, क्या माहौल है? देखो, जो आप अभी आप सुन रहे थे बात, मध्य प्रदेश में जितना विकास हुआ ये 70 सालों में नहीं हुआ। जितना भी विकास मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, ये कह रहे कि हॉस्पिटल की देन भारतीय जनता पार्टी की देन है। लाडली जो बहना चल रही है, क्या अगर ये कह दे उसका लाभ हमें नहीं मिल रहा है, उसका लाभ घर तक जा रहा है, लोगों को मिल रहा है, और डायरेक्ट घर घर, अगर ये पेयजल की व्यवस्था है तो बिगर पानी के इंसान रह सकता है क्या? घर घर पर नल की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की है 70 साल तक। आप देख रहे हैं कहीं रोड ढची के वाले थे, आज रोड की ये स्थिति है कि अपन जाते हैं, अगर जावरा सीतामढ़ी रोड देख लें या कहीं भी रोड देख लें तो एयर कंडीशन रोड बने हुए हैं। और रात सवाल जीतने का, तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार बनेगी और 200 या 150 सीट तक भारतीय जनता पार्टी आएगी, उसके बाद जावरा भी ऐतिहासिक जीतेंगे। इसलिए विकास के नाम पर ऐतिहासिक जीत होगी। ठीक है, लगता है उनका कहना है कि वो लगातार बेरोजगारी दर वो बढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी काम नहीं कर रही है। बेरोजगारी की एक बात है साहब, मोदी जी खुद स्वरोजगार की तलाश में हैं, वो चाहते हैं कि आदमी खुद सक्षम बने। कई तरह के उद्योगों के लिए लोन हो रहे हैं, मुद्रा योजना लोन सब्सिडी मिल रही है उसमें, तो आदमी स्वयं उस पर आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है। निश्चित रूप से हम बात करें, पहले एक गाइडलाइन थी, जमीन 50,000 रुपये बिघे मिलती है, बेहतर रोड के कारण, बेहतर डेवलपमेंट के कारण आज ज़मीनों के भाव 20 से 25 लाख रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं बेहतर कनेक्टिविटी हो गई, रोड अच्छे हो गए, आसपास का क्षेत्र अच्छा हो गया, तो प्रगति ग्रोथ बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से केंद्र की सरकार, मोदी जी, शिवराज जी मुख्यमंत्री जी, उस समय की योजनाओं से पुनः भाजपा आएगी।